फ्रोजन वायरस। यह वायरस आपके पर्सनल डेटा को थर्ड पार्टी को सप्लाई करेगा, लाइक ट्रूकॉलर, लाइक यूसी ब्राउजर, लाइक किटकैट या टिकटॉक, किटकैट भी है, स्नैपचैट, इवन फेसबुक भी किया है, आई एम राइट। लेकिन व्हाट्सएप पर अभी कोई उंगली नहीं उठाया है, इसीलिए अभी भी सबसे ज्यादा ऑथेंटिक इसी को माना जा रहा है। कल अगर फेसबुक भी पेमेंट अलाउ कर देता है, आप नहीं करेंगे, आपका मन नहीं मानेगा, बात सही है? क्योंकि जनरल पब्लिक डेटा या कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी से उतना अवेयर नहीं होता बारीकी, जितना एक स्टूडेंट होगा या उसका उसके उस डिपार्टमेंट का पार्ट रहने वाला आदमी हो सकता है। तो फेसबुक भी अगर कल पेमेंट सिस्टम चालू कर दे तो आप नहीं करेंगे। जितना भरोसा आप गूगल पे पर करते हैं या फोन पे पर करते हैं, उतना व्हाट्सएप पर अभी भी नहीं करते हैं, हाँ या ना? अभी भी उसको आप थर्ड पार्टी या आपने उसको ऑन करके रखा हुआ है, ये आप तभी उस दिन यूज करेंगे जिसमें 100 रुपया से कम का पेमेंट होगा, और नहीं गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें 10,000-20,000 का पेमेंट आप नहीं मारेंगे। आई एम राइट और रॉन्ग? सो दैट इज, तो ट्रोजन वायरस कुछ नहीं करता है, वायरस सिर्फ डिस्ट्रक्टिव। तो वायरस के लिए मैंने कहा एक वायरस ये होगा जो डिस्ट्रक्टिव होगा, और एक वायरस वो होगा जो आप में रहेगा और आपको पता नहीं चलने देगा और अपना काम थर्ड पार्टी के लिए करेगा, जिसमें ट्रोजन भी एक वायरस है या थर्ड पार्टी के लिए सर्विस देता है। तो निश्चित बात है यह ऐसे किसी अननोन सोर्स के डाउनलोड एप्लीकेशन के साथ चला आएगा जो आपको जानकारी। तो ट्रोजन समझ में आ गया, ट्रोजन कुछ नहीं मैंने आपके डेटा को पास करेगा, वो डेटा आपका OTP हो सकता है, आपका UPI पिन हो सकता है। तो ये सब कैसे पता चलेगा कि मेरा पास कर रहा है? नहीं पता चलेगा ना। कैंसर का वायरस आपको पहले दिन पता चल जाता है। युवराज सिंह इसीलिए बच गए क्योंकि उनको बीच मैदान में चोट लगी थी, चोट के दौरान ब्लड निकला था, ब्लड जब सैंपल के लिए चेक होने के लिए गया, क्योंकि अगर ब्लड आपके शरीर से निकला है तो डॉक्टर एक नॉर्मल काम जरूर करता है, उसका ब्लड चेकिंग करवाता है। उस चेकिंग में कुछ ऐसा पाया गया जो नॉर्मल जांच में नहीं पाया गया, उसको तुरंत बॉम्बे भेजा गया, बाहर भेजा गया, और पता चला कि इनिशियल स्टेज का कैंसर है युवराज सिंह को। तो वायरस या कैंसर या हेपेटाइटिस आपको पहले दिन से पता चल जाता है, और अगर आपके अंदर कैंसर थर्ड स्टेज में है तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा पाएगी? चाहे आप इलेक्ट्रिक बर्निंग या लेजर बर्निंग का ऑपरेशन भी करवा लें। मैंने मेरे परिवार में खुद 3 लोग कैंसर से मरे हुए हैं, और लेजर बर्निंग वगैरह सब टाटा मेमोरियल बॉम्बे में हो चुका है। दैट इज वायरस। अगर वो पता बता ही दे कि मैं हो गया हूं और आपके